कर्ज के बोझ की वजह से सुसाइड करने वाले किसानों के बच्चे भी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन में मौजूद हैं। कुछ बच्चों से बात की हमारे सहयोगी आदेश रावल ने। हमारे पिताजी ने जो गलती की वो कोई किसान ना करे, मेरे जैसा बच्चा अनाथ ना हो सके, इसलिए यहाँ के किसानों को और इस किसान संगठनों को हम लोग पाठिंबा देने आए हैं और उन्हें रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आखिरी सांस तक आप रुको मत, क्योंकि सरकार ने हम पर भी ध्यान नहीं दिया, आप पर भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए सरकार को भी कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों पर ध्यान दें, किसानों के बच्चों पर ध्यान दें। जब एक बच्चे का माता पिता का छत्र जब हाथ उसके सर से निकल जाता है, वो बच्चा अनाथ हो जाता है, उसे कोई पेरेंट्स भी हाथ नहीं देता है। और इसलिए हम सब बच्चे सरकार को कहेंगे कि हम सब बच्चे आज भी हमें इतना दुख है कि हम बच्चे पैदल स्कूल में जाते हैं 4 किलोमीटर, पैर को फोड़ा आते हैं, 9 बरस से हम बच्चे बहुत कठिनाइयों का सामना दे रहे हैं। आपका क्या नाम है बेटा? जहरी, मेरा नाम अर्चना कृष्ण चौधरी। आप कहाँ से आए? मैं महाराष्ट्र से यवतमाल जिले से आई हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्यों आए यहाँ पे? मैं किसानों से ऐसा कहना चाहती हूँ कि कोई भी आत्महत्या ना करे, और सरकार से भी कहना चाहती हूँ कि किसानों को पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। किसान आत्महत्या करते हैं, वो निकल जाते हैं, लेकिन हमारे जैसे बच्चे रास्ते पर आ जाते हैं। आपके घर में अब कौन कमाने वाला है? माँ। क्या करती है माँ? खेती। तो ये वो बच्चे हैं जो महाराष्ट्र से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, जो सरकार को बताना चाहते हैं कि किसानों पर ध्यान दो। और ये बच्चे खुद ये बात कह रहे हैं कि जब इनके पिता ने सुसाइड किया, इनको अंदाज़ा भी नहीं था कितना कर्ज था और कितना क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आने वाली थी। तो ये बच्चे ये संदेश दे रहे हैं कि कोई भी किसान आत्महत्या ना करे, क्योंकि उनके जाने के बाद उनके परिवार का क्या होता है ये शायद ही किसी को अंदाज़ा होगा कि कितना दुख उनको सहना पड़ता है। दिल्ली से आदेश रावल, गो न्यूज़।